मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सिंधिया के गढ़ में मेगा सदस्यता अभियान चलाकर अपनी ताकत दिखाई तो अब कांग्रेस भी यहां अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार है। उपचुनाव की चौखट पर खड़े प्रदेश में कांग्रेस भी अपने चुनाव अभियान की शुरुआत इसी ग्वालियर चंबल से करने के लिए तैयार है। पार्टी पीसीसी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का यहां मेगा शो करने जा रही है। सिंधिया शिवराज के अगस्त में ग्वालियर में हुए शो के जवाब में अब कमलनाथ का यहां मेगा शो होगा। बीजेपी ने 3 दिन तक ग्वालियर चंबल इलाके के लिए ग्वालियर में मेगा शो किया था। इस दौरान दावा किया गया था कि 76,000 कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली। हालांकि उसके दावे का कांग्रेस ने मखौल उड़ाया कि बीजेपी उन कार्यकर्ताओं के नाम तो बताए। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस की बारी है। इस इलाके में 16 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। अब कमलनाथ भी सिंधिया के गढ़ से उपचुनाव के लिए प्रचार का शंखनाद करने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी सितंबर महीने के दूसरे हफ्ते में कमलनाथ के लिए ग्वालियर दौरे की तैयारी कर रही है। इसमें पार्टी उपचुनाव का शंखनाद करेगी। कमलनाथ के दौरे को अगस्त में हुए शिवराज और सिंधिया के शो का जवाब माना जा रहा है। कमलनाथ के दौरे को हर स्तर पर सफल बनाने की तैयारी है। इसके लिए ग्वालियर से लेकर भोपाल तक कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। कमलनाथ के ग्वालियर दौरे के दौरान कांग्रेस पार्टी जिला, ब्लॉक, मंडल और सेक्टर स्तर के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर चुनावी रणनीति तैयार करेगी। पार्टी ने इस दौरान सदस्यता अभियान चलाने का फैसला किया है। फिलहाल उसका फोकस ग्वालियर चंबल के उन नेताओं, कार्यकर्ताओं पर है जो बीजेपी से असंतुष्ट चल रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कमलनाथ का दौरा कार्यक्रम तैयार हो रहा है। 10 से 12 तारीख के बीच वो ग्वालियर में एक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। इसकी तैयारियां की जा रही है। बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के ग्वालियर दौरे पर बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल का कहना है, कांग्रेस पार्टी के पास कार्यकर्ता नहीं बचे हैं, वो अब चाहे कोई भी शोबाजी कर ले, इसका असर जनता पर नहीं होने वाला है। उपचुनाव में जनता कांग्रेस को करारा जवाब देने के मूड में है। 22 से 24 अगस्त 3 दिन तक सिंधिया और शिवराज ने ग्वालियर में डेरा डालकर बड़े स्तर पर सदस्यता अभियान चलाया था। बीजेपी ने दावा किया है कि इस सदस्यता अभियान में 76,000 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए हैं। यही कारण है कि अब सिंधिया शिवराज को कमलनाथ जवाब देने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। इसके लिए कांग्रेस पार्टी बड़े स्तर पर तैयारी करने में जुटी है ताकि कमलनाथ के दौरे के साथ ही सिंधिया को चुनौती और ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर कांग्रेस को मजबूत किया जा सके। SPN9 न्यूज रूम से श्रुतिक रिपोर्ट।